एलेक्सा ब्लू बल्ब को ऑन करो। एलेक्सा एलईडी बल्ब को ऑन करो। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। आज मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है स्मार्ट लाइट बोर्ड। इस प्लास्टिक पाइप से इस बोर्ड को यहाँ पर बनाया गया है। और भाई ये कोई नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, ये वॉइस कमांड को सुनता है और आप मोबाइल को भी रिमोट बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एलेक्सा है, इस एलेक्सा को हम बोलेंगे कि ये लाइट बल्ब को ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पर ये इसको कमांड देगा और ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या है कि अलग अलग इस टाइप के बल्ब लगाए। आप यहाँ पर फैन टीवी कुछ भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके रूम में लगाना है आप वो यहाँ पर लगा सकते। तो भाई चालू करते हैं इस वाले मजेदार वीडियो को और देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो वीडियो चालू करते हैं और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार भाइयों। तो भाइयों यहाँ पर बोर्ड बनाने के लिए मैं एमडीएफ बोर्ड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा होता है। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक पाइप का यूज करेंगे और यहाँ पर 140 mm का मैं प्लास्टिक पाइप यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं 3.5 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग लगाऊंगा और इसको यहाँ पर कट कर लूंगा। तो भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक रिंग टाइप का कट किया है और यहाँ पर इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं सैंड पेपर यूज करूंगा और इसको अच्छी तरीके से इसके ऊपर घिस देंगे जिससे बिल्कुल स्मूथ हो जाए। भाइयों यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और यहाँ पर इसका जो बोर्ड बनाने के लिए मैं कुछ नया तरीका आपको बताने वाला हूँ। पहले जैसे हम नहीं करेंगे इसके पीस कट करके इसको वापस से चिपकाएंगे, चौकोर नहीं बनाएंगे, कुछ डिजाइन वाला बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम गर्म करेंगे जो कि आप गैस पर भी कर सकते हो और गर्म करने के बाद में इसको हम शेप देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास दो बोटल्स है स्प्रे पेंट की और यहाँ पर आप गिलास का भी यूज़ कर सकते हो और इस टाइप से इसको यहाँ पर घिसना है। तो यहाँ पर आप देखते हो दोनों किनारे पे इसके गोल आकार आ चुका है और बीच में से लंबा हो चुका है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक पाइप लिया मैंने और इसकी एक शीट बनाई है गर्म करके और इसको नीचे की साइड में रखेंगे और मार्कर से मार्किंग लगा देंगे। मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पर हमें इसको कट करना होगा। तो यहाँ पर मैं हेक्सा ब्लेड से इसको फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो किनारों पे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको चारों तरफ से घिसना होगा। इसको घिसने का कारण ये है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा चिकना है और यहाँ पर हम इसको सुपर ग्लू से चिपकाएंगे तो ये चिपक नहीं पाएगा, बाद में खुल जाएगा। तो यहाँ पर घिसने से क्या इसकी जो सतह खुरदुरी हो जाएगी और सुपर ग्लू लगाएंगे तो काफ़ी मजबूती से ये पकड़ लेगा। तो भाई यहाँ पर इसको आप ज़रूर घिस देना एक बार, उसके बाद सुपर ग्लू से इसको हम चिपका देंगे बोर्ड के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है शेप लेना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो किनारे एक्स्ट्रा जो निकले हुए हैं उनको फाइल के द्वारा घिस देंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन भाइयों इसके ऊपर हम और भी काम करेंगे। अब यहाँ पर 220 नंबर का मैं एक सैंड पेपर लूँगा और थोड़ा पानी डालेंगे इसके ऊपर और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से घिसाई करेंगे। तो भाइयों आप बहुत सारे कमेंट करते हैं कि विशाल भाई आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो उतनी सफाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आती। इसका कारण ये है कि भाइयों मेहनत करना पड़ता है। आप देख सकते हो कि 10-15 मिनट की जो वीडियो होती है ना उसके पीछे मेहनत लगती है 4-5 दिन की। तो यहाँ पर मैंने लगभग इसको आधे घंटे के आसपास घिसा, उसके बाद आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, एकदम ये जो है चिकना हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा चिकना हो चुका है कि कैमरा भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर मैं स्विचेस लूँगा, आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जाकर स्विचेस ले सकते हो। यहाँ पर मैं 4 स्विच लूँगा और चारों स्विच को यहाँ पर मेज़र कर लूँगा, उसके बाद इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर इनके लिए एक होल कर देंगे ताकि हमारे स्विचेस जो लग जाए। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मिडल पॉइंट निकालना होगा और मिडल में एक लाइन खींच देनी है, उसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई के अनुसार मार्किंग लगा देनी है और चारों स्विच के जो चौड़ाई है उसके अनुसार एक बॉक्स कट कर देंगे और इन सभी को हम एक साइड में करेंगे, एक साइड में जगह रखनी है। अब यहाँ पर इसको कट करने के लिए हम चाकू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चाकू से बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी सा का यूज़ करूँगा और ये ज्वेलरी सा मैंने खुद ने बनाई थी भाइयों। इसका आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो लीजिए भाइयों यहाँ पर हमारा कट लग चुका है और यहाँ पर आप देखते हो ऊपर की साइड में मैंने 4 यहाँ पर छोटे छोटे कट और लगाए। ये कट इसलिए हैं कि हमारी जो स्विच है वो इसके अंदर आराम से लग जाए। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम ये थी कि स्विच जो इसके अंदर जाने के बाद में ढीले हो रहे थे, मतलब आगे पीछे हिल रहे थे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर मैंने एक पत्ती चिपका दी है और वापस से इन कट को बड़ा कर दिया है। तो
ये जो पत्ती है मैंने दोनों साइड में लगाई और दोनों साइड में कट भी लगा दिए वापस से, और यहाँ पर स्विच जो है इनको इस टाइप से दबाकर हम लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई नट बोल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नट बोल्ट लगाने से क्या है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो बेशेप हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर स्विचेस लग चुके हैं, ये हमारा नॉर्मल सा बोर्ड बन चुका है। आप इसे एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हो या फिर नॉर्मल सा स्विच आपके घर पे लगा सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगेगा ये आप घर पे लगाओगे तो। लेकिन इसको हम बनाने वाले स्मार्ट बोर्ड, इसके लिए यहाँ पर fryrobo.com पे जाना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको परचेस करने हैं इस टाइप के स्मार्ट स्विचेस। ये काफ़ी कम रेट के अंदर आपको मिल जाएंगे भाइयों, और ये जो आप देख सकते हो गूगल से आप कनेक्ट कर सकते हो, अलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हो। ये जो गाइस 3 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में आता है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हो आपको कौन सा वाला लेना है। इसके अंदर आपको 1 चैनल से लेकर 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल तक मिल जाएगा। ये वाईफाई ब्लूटूथ दोनों को कनेक्ट करने वाला भी मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डिटेल आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा एक हमें मॉड्यूल मिलता है और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। यूज़र मैनुअल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर की साइड में आपको QR स्कैनर दिखता है, जिससे आप यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैसे इसको यूज़ करना है सारा का सारा फोटो के साथ में दिया गया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत सारे यूज़र मैनुअल मैंने देखे जिसके अंदर बस लिखा होता है, जो कि समझ में कम आता है, लेकिन इसके अंदर फोटो भी दिए गए हैं। इसका पूरा सर्किट डायग्राम जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ में देता हूँ बहुत सारी, उसी टाइप से यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपके साथ में यूज़र मैनुअल घूम जाती है कभी बाद में और आपको कनेक्शन याद नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर भी दिख सकता है आपको। अब यहाँ पर पीछे की साइड में आपको एक स्विच भी मिलेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं स्विच इसके अंदर, यहाँ पर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये रीसेट स्विच है, जो कि आपको यूज़र मैनुअल में पता लग जाएगा कैसे इसको दबाना है, कैसे यूज़ करना है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पर 6 कनेक्शन मिलेंगे, जो कि एक तो न्यूट्रल इन और एक लाइन इन है, और 4 यहाँ पर आपको स्विचेस के मिल जाएंगे, जिसमें आप 4 कनेक्शन कर सकते हो। टीवी रिमोट, टीवी आप यूज़ कर सकते हो, फैन यूज़ कर सकते हो, आप मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हो, लाइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो माउंट है इसको खाली जगह में इस टाइप से लगाना है सुपर ग्लू से, और उसके बाद हमारे जो मॉड्यूल है इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे। इसका जो कनेक्शन है भाइयों इतना आसान है कि कोई बच्चा भी कर सकता है। तो यहाँ पर 4 वायर जो निकले हुए थे साइड में, उन 4 वायर को हमें क्या करना है, स्विचेस के अंदर लगा देने हैं। तो जैसे आप देख सकते हो स्विचेस के अंदर एक एक पिन लगा देंगे 4 वायर की। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैक वायर ले रहा हूँ मैं कॉमन, और इन 4 स्विचेस के चारों पॉइंट को एक ही वायर से कनेक्शन कर देना है, ठीक है, जैसे कि हमें डायग्राम में दिया गया है उसी टाइप से। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना होगा, न्यूट्रल इन जो है वहाँ पर लगा देना है इस टाइप से। कनेक्शन काफ़ी आसान है इसका करना, कोई सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ज़्यादा औजार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो वायर कटर ले सकते हो आप, और एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो, उसके अनुसार आपको सारा का सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक तो न्यूट्रल और लाइन लगा दी है, और 4 वायर एक्स्ट्रा लगाए, जो कि एक टीवी, फैन और लाइट, मोबाइल चार्जिंग, आप कुछ भी लगा सकते हो आपके अनुसार आपको क्या लगाना है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लग जाएंगे, 2 वायर यहाँ पर निकल गए हमारे जो कि डायरेक्टली लाइन के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर इन 4-5 वायर को 6 वायर को हम इस होल के अंदर से निकालेंगे, और फाइनली आप देख सकते हो हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा कनेक्शन हो चुका है इसके अंदर हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे का ढक्कन बनाया है मैंने इस टाइप का, जैसे पहले हमने आगे का फ्रंट बनाया था उसी टाइप से, इसको यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 होल करेंगे ताकि हम किसी दीवार पर इसको लगा सकें। तो सबसे पहले एक बड़ा होल करेंगे, उसके नीचे की साइड में एक छोटा होल कर देंगे। जैसे आपने देखा वो तस्वीर जो आती है हमारी, उस तस्वीर के पीछे की साइड में होल होता है, उसी टाइप का यहाँ पर मैंने बनाया है। अब यहाँ पर 4 में पीसेस कट कर लिए हूँ शीट के, और 4ों को यहाँ पर पीछे की साइड में चिपका दिया हूँ। इसका कारण ये है कि हम जो ढक्कन बनाने वाले हैं इस ढक्कन को रिमूवेबल रखेंगे, मतलब बाद में खोल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो हम इसको खोल भी सकते हैं। डायरेक्टली चिपका देंगे तो गया, टाटा, बाय बाय, ख़त्म, क्योंकि हम इसको वापस से खोल नहीं सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 स्क्रू लूँगा मैं, और 4ों के लिए होल कर दिया है मैंने, और स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर कस देंगे और वापस से रिमूव भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन करना है, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों हमारे कील लगाकर ठोक सकते हैं, लगा सकते हैं। तो भाई पूरा सेटअप मैंने यहाँ पर कर दिया है, यहाँ पर बोर्ड लग चुका है, और एक पट्टी के ऊपर 4 ही LED बल्ब लगा दिए, ताकि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा सकूँ मैं। यहाँ पर आप एलईडी बल्ब की जगह पर फैन लगा सकते हो, यहाँ पर टीवी लगा सकते हो, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए इस बोर्ड पे लगाया है। अब आप इसको नॉर्मली यहाँ पर बटन से भी चालू कर सकते हो, इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा नॉर्मली चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा जिसको आपको यूज करना नहीं आता इसको, तो आराम से बटन से भी चालू हो सकता है और बंद हो सकता है। तो भाई
यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस करेंगे। अब यहाँ पर हमें दो ऐप चाहिए। सबसे पहले तो स्मार्ट लाइफ, जो कि आप यूजर मैनुअल है उसके अंदर कोड दिया गया है, उससे आप स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एलेक्सा, अगर आप एलेक्सा से कनेक्ट करना चाहते हो एलेक्सा ऐप, या फिर गूगल होम से करना चाहते हो गूगल होम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करोगे ये वाला, तो यहाँ पर एड डिवाइस आ रहा है। एड डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे सिस्टम। तो आपको यहाँ पर क्या है कि ये देख सकते हो ब्रेकर है, ब्रेकर पे क्लिक करना है। जैसे ब्रेकर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कंफर्म करोगे और यहाँ पर जो एलईडी ब्लिंक कर रही है तो उसके अंदर आपको देखना होगा एलईडी ब्लिंक हो रही है, तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चालू हो जाएगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, मांग लेगा। उसके बाद वाईफाई को हमें ऑन करना है और वाईफाई के पासवर्ड डालने के बाद में हमारा कनेक्शन हो जाएगा इससे। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शन मैंने कर दिया इसके अंदर। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो मी लिखा हुआ, इस पे क्लिक करोगे आप। अगर गूगल से करना चाहते हो तो गूगल से कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट से। एलेक्सा से करना चाहते हो एलेक्सा से यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके अंदर जो एलेक्सा है उससे यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इससे कनेक्शन कर रखा है, ये एलेक्सा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रूम डाल रखा है। इसी टाइप से आप बहुत सारे यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो, जैसे रूम है, किचन है, बेडरूम है, आप अलग अलग टाइप के यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो एक ही के साथ में। तो यहाँ पर रूम पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे सारे के सारे स्विचेस आ चुके हैं, यहाँ पर इनसे भी हम चालू बंद कर सकते हैं। तो जैसे देख सकते हो ये येलो बल्ब ऑन हो चुका है, हमारा ये व्हाइट हो चुका है, ब्लू हो चुका है और ये एलईडी बल्ब हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ से भी आप डायरेक्टली इनको बंद चालू कर सकते हो रिमोट के थ्रू। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है मैंने येलो बल्ब, व्हाइट बल्ब और ब्लू बल्ब, एलईडी। यहाँ पर हम क्या इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एडिट का आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप जो भी नाम सेट करोगे उसको आपको डायरेक्टली एलेक्सा को बोलना है, वो ऑन कर देगी, ठीक है। इससे हमारी एडिटिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो भाइयों अब हमें फुल आलसी बनना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ना तो मोबाइल को उठाना, बस हम सोते रहेंगे और हम डायरेक्टली बोलेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बोल के काम करते हैं। एलेक्सा ब्लू बल्ब को ऑन करो। तो भाइयों लीजिए हमारा एलेक्सा ने ब्लू बल्ब को ऑन कर दिया है यहाँ पर। अब वापस से बोलेंगे हम इसको एलईडी बल्ब, यहाँ पर जो हमारे इसको ऑन करवाना है, ठीक है। एलेक्सा एलईडी बल्ब को ऑन करो। तो देखिए भाइयों मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा ऑन हो चुका है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से इसको ऑन करवा दिया, लेकिन हम यहाँ पर इससे बटन से भी ऑफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। वापस से चालू करवाएंगे। एलेक्सा एलईडी बल्ब को ऑन करो। वापिस हमारा ऑन हो चुका है। अब वापिस इसको हम बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मुझे एलेक्सा से कहकर सारा का सारा सिस्टम ऑन करवाना है, तो चालू करवाते हैं। अब एलेक्सा ऑल ऑन। क्या आपका मतलब रूम था? यस। तो देखिए भाइयों मैंने इससे बोला भी यार कि आल ऑन, तो मतलब इसने पूछा कि आपका मतलब रूम था, कि मतलब रूम की लाइट ऑन करनी है आपको। तो यहाँ पर इसने बोल दिया कि यस हमें रूम की लाइट ऑन करनी है, तो इसने सारा का सारा सिस्टम ऑन कर दिया। अब सारा का सारा एक साथ बंद करवाते हैं। एलेक्सा आल ऑफ। क्या आपका मतलब रूम था? यस। तो भाई देखिए सारा का सारा सिस्टम बंद हो चुका है। तो भाइयों अब मान लीजिए कि हमारा एलईडी बल्ब है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलईडी बल्ब का जो दिख रहा है बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फैन, FAN, ठीक है, वही हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये फैन का काम करेगा। अब मैं एलेक्सा को बोलूंगा कि फैन ऑन करो, यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये हमारा फैन लगा हुआ है। एलेक्सा फैन ऑन करो। तो देखिए भाई हमारा फैन यहाँ पर ऑन हो चुका है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर फैन यूज कर सकते हो, टीवी यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, आपको जो भी चलाना यहाँ पर आराम से चालू हो जाएगा। अब भाई थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन एक और शानदार चीज आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस लाइट बल्ब को 5 मिनट बाद ऑन करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 मिनट नहीं देंगे, इसको देंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। तो ठीक है एलेक्सा 10 सेकंड बाद येलो बल्ब को ऑन कर देना। ठीक है, येलो बल्ब को 10 सेकंड में चालू कर दिया जाएगा। ठीक है भाई अब मैंने बोल दिया इसको 10 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो 10 सेकंड ज्यादा नहीं होता है और ये ऑन हो गया है, हमने बात करी थी देर में, हमारा ऑन हो चुका है। तो भाई ये जो फीचर है काफी ज्यादा काम का है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए हुए और आपके घर की लाइट को ऑन करना है, जैसे 5 बजे, तो आप होंगे तो नहीं, लेकिन इसको बोल के चले जाइए कि 5 बजे ऑन कर देना, तो ये ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। क्योंकि बहुत सारे घरों में क्या होता है, जब खाली घर होता है वहां पर, जहां पर लाइट नहीं होती वहां पर अधिकतर चोरियां होती है। तो आप इसका बोलकर आपकी टीवी भी ऑन करवा सकते हो, स्पीकर ऑन करवा सकते हो, ताकि लोगों को लगे कि इसके अंदर कोई है आदमी, जिससे इसके अंदर से आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आपके घर में चोरी जो होने का काम है वो भी कम हो सकता है, और बहुत सारी चीजें इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। भाइयों ये जो बोर्ड बनाया हमने, इसे आप डायरेक्टली बिना स्विच के लगाए, स्मार्ट स्विच के लगाए, आप एक्सटेंशन बोर्ड भी बना सकते हो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा, ये डिजाइन कैसी लगी आपको, और ये जो स्मार्ट वाला ये कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है इसी टाइप के नए नए वीडियोस लाने में आपके लिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।